गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में सीखेंगे। सो देयर आर सम बेसिक रूल्स, जिसमें सिक्स रूल्स आपको समझने हैं, जिसमें फर्स्ट रूल ये है कि अगर कोई a की पावर m और मल्टीप्लाइड में सेम नंबर लिखा हुआ है और उसकी पावर n लिखा हुआ है, तो उसमें हम क्या करते हैं, a को कॉमन ले लेते हैं और उसकी जो पावर्स होती हैं वो आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। ठीक है, यानी जैसे कोई नंबर है उसकी पावर m है और सेम नंबर है उसकी पावर m दी हुई है, तो हमें a को क्या करना है, कॉमन लेना है और उसकी जो दोनों पावर्स हैं उसको हमें आपस में ऐड कर देना है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे 2 की पावर 6 लिखी हुई है इनटू 2 की पावर यहाँ पे हमें लिख दी 3, तो सेम नंबर है, आप देख सकते हो इसमें से 2 हमें क्या करना है, कॉमन ले लेना है। तो 2 जब हम यहाँ पे जैसे ही हम 2 को कॉमन ले लेंगे तो पावर्स उसकी हो जाएंगी 6+3। इस तरीके से आप लिख सकते हो, अगर सेम नंबर दिया हुआ है उसकी पावर्स हैं तो आपस में ऐड हो जाएगा, यानी यहाँ पे जो आंसर है वो आपकी 2 की पावर 6+3 ऐड करेंगे तो 9, यानी 2 की पावर 9 आंसर आ जाएगा। तो ये था। सेकंड में आते हैं, अगर आपका सेम नंबर लिखा हुआ है और उसमें डिवाइड में लिखा हुआ है, जैसे a की पावर m अपॉन a की पावर n लिखा है, तो ऊपर वाली पावर में से हम नीचे वाली पावर को क्या कर देते हैं, माइनस कर देंगे। ठीक है, यानी a लिखेंगे, पहले a को कॉमन ले लेंगे, फिर उस ऊपर वाली पावर में से m में से n को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, या तो इस तरीके से फ्रैक्शन में लिखा होगा या डिवाइड का साइन भी करके आ सकता है, तो उसमें a की पावर m और a की पावर n लिखा होगा। ठीक है, आपको a को कॉमन लेना है और ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को माइनस में कर देना है। डजेंट मैटर कौन सा साइन वहाँ पे लगा हुआ है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, 2 की पावर यहाँ पे मैंने लिख दी 3 अपॉन 2 की पावर यहाँ पे लिख दी 2, तो सेम नंबर है, 2 को जब हम कॉमन ले लेंगे फिर उसके बाद ऊपर पावर 3 है, 3 में से हमें क्या करना होगा, 2 को माइनस करना होगा, तो 3-2, यानी जब यहाँ पर हम माइनस करेंगे तो 2 की पावर क्या आ जाएगी, 1, यानी कि 2 आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं, अगर कोई भी नंबर है उसकी पावर 0 लिखी हुई है तो उसका आंसर 1 आएगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए लिखा है मैंने 81 की पावर 0, तो इसका मतलब है क्या आंसर आएगा, 1। ठीक है, कोई वेरिएबल भी आ जाता है, सपोज दैट जैसे मैंने यहाँ पे लिखा x की पावर 0 लिखा है तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। 21 की पावर 0, इसका भी आंसर हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। यानी अगर किसी भी नंबर की पावर 0 लिखी है तो फिर उसका आंसर 1 ही आएगा और वो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, अगर कोई नंबर लिखा हुआ है उसकी पावर लिखी है फिर उसके बाद ब्रैकेट में एक और पावर लिखी है, तो वो दोनों ब्रैकेट्स में जो पावर लिखी है ब्रैकेट के बाहर लिखी है, उन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। नंबर लिखेंगे, नंबर के बाद उन दोनों पावर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल कंसाइडर कर रहा हूँ, 2 की पावर 3 लिखा है और 3 की पावर बाहर बने यहाँ पे 2 लिख दिया, तो क्या करेंगे, पहले जो नंबर आपका 2 था कॉमन ले लेंगे उसको, तो उसको लिखेंगे पहले 2, फिर पावर इसकी 3 × 2 हो जाएगी, पावर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पे 6 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर सेम नंबर है, फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, अगर कोई दो नंबर लिखे हैं उनकी पावर n दी है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं तो आप उन दोनों को सेपरेट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 6 लिखा हुआ है मैंने 6, ठीक है, पहले उस सेपरेट करने का मतलब है दोनों नंबर्स की पावर सेम हो जाएगी पर नंबर अलग अलग हो जाएंगे। ये इस तरीके से भी क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे एक नंबर कंसाइडर कर लिया 6 की पावर यहाँ पे मैंने लिख दी 3, तो पहले 6 के फैक्टर्स कर लेंगे हम, इसको दो नंबर में हम स्प्लिट कर लेंगे, तो जब फैक्टर्स करेंगे तो 2 × 3 हो जाएगा और इसकी पावर होल पावर हो जाएगी हमारी 3। अब यहाँ पे 2 की पावर भी 3 हो जाएगी, अलग अलग सेपरेट करेंगे, इनटू क्योंकि ये a की पावर n हो जाएगी, फिर b की पावर n यानी कि 3 की पावर 3 हो जाएगी। इस तरीके से हम इसको एक्सपोनेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद लास्ट रूल की बात करते हैं, अगर कोई फ्रैक्शन में नंबर दिया और उसकी पावर नेगेटिव दी हुई है, ठीक है, अगर उसकी पावर नेगेटिव दी हुई है तो हमें क्या करना होता है, इसकी पावर को अगर पॉजिटिव बनाना है आपको तो इस फ्रैक्शन को आपको पलट देना होगा, यानी b जो आपका डिनोमिनेटर था वो न्यूमिनेटर बन जाएगा, जो न्यूमिनेटर था वो डिनोमिनेटर हो जाएगा, और उसकी जो पावर अभी आप देख रहे थे नेगेटिव थी वो किस में चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये करते हैं जब फ्रैक्शन की पावर नेगेटिव में दी है उसको हमें पॉजिटिव बनाना हो तो। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, 1/2 इसकी पावर हमने ले ली यहाँ पे माइनस का 3, ठीक है, पावर नेगेटिव में से पॉजिटिव करना है तो 2/1 हो जाएगा, 2/1, और इसकी पावर हो जाएगी हमारी जो नेगेटिव थी वो प्लस हो जाएगी यानी 3, तो ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस रूल को हम चेंज करते हैं। तो आपने देखा ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के कुछ बेसिक से रूल्स थे, इसकी हेल्प से आप अपनी एक्सरसाइज को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है।